वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए नेक्स्ट वीक के टारगेट चेक करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 तारीख से 16 तारीख तक कौन से टारगेट हिट हो सकते हैं और कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं वह देखने वाले, और लेटेस्ट एनालिसिस भी चेक करने वाले रिलायंस स्टॉक के लिए। सो गाइज, यू विल गेट अवर वेबसाइट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो गो देयर। आफ्टर गोइंग ऑन अवर वेबसाइट, गो ऑन अवर प्रोसेस। In our process, you will find our process here just like this. So after that, you will scroll down, you will get our offers. So at 199, you will get, see, you all can see here that at 199, you will get all these strategies freely. Means here, you will get 199 rupees mein aap logo ko 8 strategies milegi. तो यहाँ पे रिलायंस ने आज क्लोजिंग डे 2071.95 पैसे पे, मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि -20 पॉइंट डाउन क्लोजिंग डे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक ने फ्राइडे के दिन, मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1% डाउन क्लोजिंग डे। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद गिरावट ही हो गई थी रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरे दिन भर यहाँ पे थोड़ा चौपी नजर आया था रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक। पर यहाँ पे पिछले 5 दिन की भी यहाँ पे बात देखी जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3% यहाँ पे नेगेटिव दिखा है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक और 66 पॉइंट डाउन दिखा है पिछले पाँच दिन में रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक। तो आगे क्या मूवमेंट बन सकते हैं और कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो 1 आवर के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक में रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर रहा था 2080 लेवल, तो वो तो आज रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक ने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक 2070 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा है रिलायंस स्टॉक ने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गैप डाउन से ओपन होता है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक मंडे पे। तो यहाँ पे आप लोगों को 2050 लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 2050 लेवल ब्रेक होती है तो आप लोगों को बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले वीक के अंदर रिलायंस स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 250 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगी रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए, क्योंकि पहले भी 250 लेवल पे कई बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया गया था रिलायंस स्टॉक ने। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 270 लेवल पे के ऊपर भी ओपन होते हैं तो आप लोगों को 280 लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 280 लेवल का टारगेट भी ब्रेक होता है तो आप लोगों को 2100 लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो 2100 लेवल आप लोगों को नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट देता है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक तो 2120 भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 2100 लेवल ब्रेक करती है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक तो थोड़ा बुलिश दिखाई देगा रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2150 तक भी जा सकता है आने वाले वीक के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक। तो यहाँ पे अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में मूविंग एवरेजेस चेक करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू कलर का है 200 मूविंग एवरेज, ऑरेंज कलर का है 50 और ब्लैक कलर का है 20 मूविंग एवरेज। तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रेक करने के बाद दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया पर ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर यहाँ पे गिरावट नजर आई थी। तो रिसेंटली बहुत अंतर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के बीच में और रिलायंस के प्राइस के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मंडे के दिन यहाँ पे ऊपर जाता है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक आने वाले वीक में, तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा रिलायंस स्टॉक के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी ब्रेक करता है, कोई दिन सुबह में ओपन होता है आने वाले वीक के अंदर और नज़दीक ओपन होकर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो रैली भी देखने को मिल सकती है ऊपर के साइड रिलायंस स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे अभी छोटे मूविंग एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेरिश ही नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गिरावट हो गई है 3-4 दिन से रिलायंस स्टॉक के अंदर। तो आगे भी हम लोग MACD और RSI चेक करने वाले रिलायंस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग मंथली पीवट लेवल चेक करेंगे रिलायंस स्टॉक के लिए। तो मंथली पीवट लेवल पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिलायंस यहाँ पे पीवट के नीचे ओपन हुआ था, फिर ऊपर जाने के बाद एक रैली की 2-3 दिन में, तो 2-3 दिन बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस लगा। तो प्यूट लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट नजर आई रिलायंस स्टॉक के अंदर। पर रिलायंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पिछले मंथ का जो लो बनाया था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिछले मंथ का प्यूट लेवल का, वो भी यहाँ पे आज के दिन ब्रेकआउट दिया है रिलायंस स्टॉक ने। पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे आता है रिलायंस स्टॉक तो यहाँ पे सपोर्ट 1 तक आने का चांसेस है। तो यहाँ पे सपोर्ट के पास आता है तो आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि 2050 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 2050 टू 2040 लेवल पे आता है तो आप लोगों को बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं रिलायंस स्टॉक के अंदर। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में लीजिए।
तो यहाँ पे अभी हम लोग MACD पहले चेक करेंगे, फिर RSI चेक करेंगे। तो MACD ने यहाँ पे आप लोग देख सकते कि 6 तारीख के बाद यहाँ पे क्रॉस वो किया था, तो क्रॉस वो करने के बाद सेलिंग का सिग्नल जनरेट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोग्राम भी आप लोग देख सकते हो कि ग्रीन से रेड हो गया था, तो ग्रीन से कम होते जा रहा था और रेड में एंट्री कर रहा था, तब आप लोगों को सेलिंग का मौका मिला था, सेलिंग का चांस आया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि ए पीरियड पे आप लोगों को सेलिंग करना चाहिए था रिलायंस स्टॉक के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते रिसेंटली यहाँ पे क्रॉस वो भी नहीं किया MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को, मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते कि नीचे आया है, मतलब बो सोल्ड जोन में ट्रेडिंग कर रहा है MACD के दोनों लाइन, तो यहाँ से क्रॉस ओवर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि ए लाउन लाइन जो है 2070 और 2050 के लेवल के बीच में यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बुलिश मोमेंट भी देखने को मिल सकता है आने वाले वीक के अंदर रिलायंस स्टॉक के अंदर। तो रिसेंटली यहाँ पे आप लोग हिस्टोग्राम भी देखा जाए तो यहाँ पे रेड डार्क रेड कैंडल से यहाँ पे लाइट रेड कैंडल होने हो गए, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, और यहाँ से क्रॉस ओवर होता है तो आप लोगों को बुलिश मोमेंट आने के चांसेस है रिलायंस स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे RSI देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि RSI तो ओवरसोल्ड जोन में, मीन्स यहाँ पे 40 के नीचे यहाँ पे RSI ट्रेडिंग कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है RSI के अंदर। तो रिसेंटली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी 20 के नीचे है RSI, तो RSI यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है RSI। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि RSI ओवरसोल्ड जोन में था, तो उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी बुलिश पैटर्न फॉर्म हो गया था और अच्छा ऊपर के साइड दौड़ा था रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक। तो ये 1 आवर के चार्ट में हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि यहाँ पे सेलिंग का मौका था, तब यहाँ पे RSI ओवरब्रॉड जोन में था, मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते कि प्योर सेलिंग का मौका था यहाँ पे। और रिसेंटली यहाँ पे आप लोग देख सकते कि यहाँ पे MACD क्रॉस हुआ करता है सिग्नल लाइन को, और यहाँ पे आप लोग देख सकते कि RSI भी यहाँ पे मुड़ता है ऊपर 20-30 लेवल के ऊपर, तो आप लोगों को बाइंग का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे 2070-2050 के लेवल के बीच में आप लोग देख सकते कि ऊपर जाने का चांस मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर। तो नीचे भी गिरता है तो 2050 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रिलायंस स्टॉक के लिए, तो वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है रिलायंस स्टॉक के अंदर। तो आने वाले वीक में यहाँ पे बुलिश शिप पैटर्न फॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में रिलायंस 1 आवर चार्ट फ्रेम में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि RSI में भी ओवरसोल्ड में और MACD में भी ओवरसोल्ड जोन में ही है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग सेशंस अहेड।